जिंदगी में प्यार का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसका प्यार अधूरा रह गया हो। साइकोलॉजी के अनुसार प्यार में पड़ा इंसान धीरे धीरे दुनिया से कटने लगता है, इसी वजह से वह ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर के लिए पॉसेसिव होने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा फोकस दो सच्चे प्रेमी एक दूसरे के लिए होते हैं। इनमें से किसी ने भी एक को धोखा दिया तो दूसरे के दिल में यह बात खुद ब खुद महसूस होने लगती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है तो वह प्यार में पड़े इंसान के साथ हुआ है। एक रिसर्च के अनुसार अगर आप दुनिया के इंसानों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको एक बार प्यार में जरूर पड़ना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रेकअप के बाद अगर आप अपने पार्टनर की यादों को भुलाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में असल में आप चीजों को भुला नहीं बल्कि और ज्यादा याद कर रहे होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हमें वही लड़की या लड़का पसंद आता है जिसे पाना या उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप एक बार किसी के प्यार में पड़ गए तो वापस उसके फ्रेंड नहीं बन सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी को हद से ज्यादा प्यार करने पर आपकी मानसिक स्थिति पागलों की जैसी होने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब भी आपको सच्चा प्यार होता है तब आप अपने आप को सबसे ज्यादा खुश महसूस करते हैं, क्योंकि जब आपको सच्चा प्यार होता है तब आपके दिमाग में डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होने लगता है जो कि आपको सबसे ज्यादा खुशी महसूस कराता है। साइकोलॉजी कहता है लड़के आमतौर पर लड़की की तुलना में तेजी से प्यार में पड़ जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार 70% महिलाएं अपने दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए साइलेंस का सहारा लेती है। साइकोलॉजी कहता है एक जैसी क्वालिटी और स्वभाव वाले कपल ज्यादा समय तक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं टिक पाते। साइकोलॉजी के अनुसार जिसे तुम इतना याद करते हो अगर वह भी आपको मिस करता होगा तो आप बेवजह खोए खोए रहने लगोगे और ना चाहकर भी उसकी यादों को रोक नहीं पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।